जहरीली शराब से कुछ मौत की सूचना आ रही है गोपाल। तो बहुत गंदी चीज है, आप जान लीजिए जी, आप जान लीजिए कि कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला होता ही, लेकिन बहुमत ही नहीं, अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में है। कुछ लोग गड़बड़ करता है, तो उस गड़बड़ करने वालों में तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था, याद करिए एक बार जो गोपालगंज इलाके में हुआ था, जब हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी गंदी चीज़ है, एक तो शराब ही बुरी चीज़ है और उसके अलावा कोई चीज़ खाएगा, देखते नहीं यूपी वगैरह में कहीं भी जहरीले शराब से क्या हालत होता, तो हम लोगों ने तो रोक लगाया। इसके बाद भी जो निजी तौर पर बाएं दाएं इधर उधर से कुछ काम करता है तो सफर करता है, तब तो लोगों को समझना चाहिए। एक तो शराब पीना ही नुकसान है और दूसरी बात है कि इस तरह का कोई करता है और इधर उधर बाएं दाएं करके कहीं से कुछ करने की कोशिश करता है, उसका नतीजा देख लीजिए कि करिएगा तो इसी तरह से अपने भी जाइएगा और दूसरे को भी मारिएगा, ये तो गंदी बात है ना। और इसके बारे में तो पूरी बात हमारे यहाँ पुलिस के द्वारा भी किया जाता है और मध्य निषेध विभाग के द्वारा भी किया जाता है, सब लोग इस बात के लिए अलर्ट हैं और इस विषय पर नियमित तौर पर उन लोगों की रिपोर्ट भी आती है और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी। मुख्यमंत्री, नहीं लगता थोड़ा सा और लगाम कसने की जरूरत है? आप लगाम कसने की वो है ही और वो किया गया और सब लोगों को तो हम लोग यही कह रहे हैं ना कि अरे भाई अगर कोई बात, तो हम तो एक दो और मीटिंग थी, आप लोगों ने प्रेस में छपा भी था, हमने कहा कि अगर कोई भाई हमारा अधिकारी है पुलिस वाला जिसको एक जिम्मा दिया गया, अगर वो मान लीजिए कि पीता है तब तो उसको सब कार्रवाई तो होना एक अलग बात है, उसको हम डिसमिस का नहीं करेंगे। सब लोग वचन दिए हुए, संकल्प लिए हुए और इसके बाद करना, और कितनी गंदी चीज है। बापू ने इस बात को कहा और दुनिया भर में जो रिसर्च हुआ है उसके बाद ये पता चला कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन चंद लोगों की तो ख्वाहिश होती है ना, इतना भी कोई अच्छी चीज़ होती है उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता तो कुछ लोग करता है। लेकिन इसके लिए संबद्ध विभागों को, लगातार पूरे प्रशासन को मेरी तरफ से जो कहना है, हम बराबर अलर्ट करते हैं और समय समय पर रिपोर्ट भी आती है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को पता चलता है, कुछ चीज़ों के बारे में हम सीधे बुला करके भी बातचीत करते रहते हैं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो उस पर लोग लगे। अब पहले की तुलना में कई बार हो रहा था, बाहर से आता है और मान लीजिए कि कोई ले करके आ रहा है, वो पकड़ा गया, लेकिन कौन इसका ओरिजिनल है, कहाँ से व्यापार जो कर रहा है इन सब चीज़ों का, अब तो शुरू हो गया ना, अब वैसे लोगों पर भी हुआ तो है। लेकिन हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, भाई लोगों में ज़रूर कहिए, ये कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, ये लोगों की इच्छा है, महिलाओं की इच्छा, और उसके आधार पर जो किया गया बापू के भावने को हम लोगों ने यहाँ पर अपना करके साकार करने की कोशिश की है, करना चाहते हैं, तो सबका सहयोग चाहिए। और एक बात हम यह कराएंगे, जब 17 में जी, जब इसके लिए हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी, तो गांधी मैदान में पत्रकार बंधुओं ने भी शपथ ली थी, तो पूछिएगा नहीं, सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पर थोड़ा सा नाराज है क्या सर? थोड़ा सा नाराज लग रहा है, सोशल मीडिया का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, सोशल मीडिया नाम है, एंटी सोशल काम करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव चीज, सकारात्मक बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर करें, ये हम कह रहे हैं। हम तो और कुछ कह नहीं रहे कि भाई उसके माध्यम से कुछ तो बिना मतलब, जिनको ना कोई अनुभव है ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं कहाँ जाना हो, बैठे बैठे कुछ कुछ कोई करता रहता है तो अच्छी बात है। और आप तो जानते हैं फॉर्म साइट से लेकर के हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में शुरू से हम बोले, तो हमारा जो सब तरफ से कोई चीज़ की जानकारी मिलती है कि समझते हैं उस पर तो विचार करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जान लीजिए तो सब मोबाइल पर देखते हुए कभी कभी गुमराह न हो जाए, नई पीढ़ी के लोगों को सकारात्मक चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम कह रहे हैं सोशल मीडिया का सदुपयोग कीजिए, ये हम कह रहे हैं। ऐसे अच्छा स्रोत मानते हैं सर, का तब तक नॉमिनेशन होगा, अभी तक आया नहीं उधर से। ठीक है।